आज की अपनी इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे मुकुंदराव हिल्स के बारे में। ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके पूर्व की क्लासों में हमने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, उसके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुकुंदराव हिल्स के बारे में। ठीक, इसके अंतर्गत हम बात करें तो आखिर इसका नाम मुकुंदराव क्यों, मुकुंदराव नाम क्यों है, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे एक हाड़ाव का एक राजा हुआ था, हाड़ाव का एक राजा हुआ था। हाड़ा कौन है? तो हाड़ा वो है जो राजस्थान के, राजस्थान का जो मेप है उसमें हाड़ौती क्षेत्र जो है, हाड़ौती क्षेत्र में निवास करने वाले राजाओं को हाड़ा राजा कहते हैं। क्लियर? तो वो राजा था मुकुंद सिंह। कौन? मुकुंद सिंह। ये राजा प्रकृति प्रेमी था, प्रकृति प्रेमी राजा था। तो हाड़ा राजा था, प्रकृति प्रेमी था, उसी के नाम के आधार पर यहाँ की स्थानीय पहाड़ियों का नाम भी मुकुंदराव मिलता है और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी मुकुंदराव हिल्स के नाम से रखा गया। क्लियर? आगे इसका जो लोकेशन है कहां पे, कोटा और झालावाड़ में मुकुंदराव हिल्स का। तो बात उठती है कि विस्तार कितना मिलता है इसका क्षेत्रफल। एक तो हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं और एक देख लेते हैं हम ये अस्तित्व में कब आया, ये अस्तित्व में कब आया। तो इसके लिए आपको डेट ध्यान रखनी है 2012, एक तो 2012, एक 2013 भी ध्यान रखना। ठीक, इसकी पूर्व की कहानी कुछ भी रही हो, हमें सिर्फ खास जो डेट है वो ध्यान रखनी है। ये जनवरी, 9 जनवरी, ये 10 अप्रैल, 9 से 10 जनवरी अप्रैल और 2012-13, 2012 9 जनवरी के दिन ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ पूर्ण रूप से। इसके बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव चलते रहे और लास्ट डेट है 2012 की, उसमें राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित हो गया। क्लियर? फिर 2013 में क्या हुआ, इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया। देश के मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो योजना चलती है बाघ परियोजना है, तो उसके अंतर्गत इसको 2013 में शामिल किया गया था। क्लियर? वैसे देश में टोटल 46 क्या है बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं, 47 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं, उसमें से ही एक ये भी है हमारे राजस्थान की मुकुंदराव हिल्स। ठीक, आगे हम देख लेते हैं विस्तार के बारे में। क्षेत्रफल अगर हम देखें टोटल तो 199.55 वर्ग किलोमीटर, 199.55 लगभग 200 के आसपास। ठीक, ये इतना इसका क्या है क्षेत्रफल हो गया, वो भी इस किस तरह से है, तीन रूपों में बांटा, अलग अलग को मिला के बनाया गया इसको पूरा। एक तो दर्रा अभ्यारण्य, एक जवाहर और एक चंबल, ये जो छोटे छोटे अभ्यारण्य थे उनको उनको मिला करके एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इनका भी क्षेत्रफल कैसे मिलता है, लगभग 156 पॉइंट में है, 156 वर्ग किलोमीटर दर्रा का क्या है क्षेत्रफल हो गया। फिर इसके अंदर शामिल किया गया जवाहर, 5.25 वर्ग किलोमीटर, और एक बचा जवाहर 38 और ये 5.25 वर्ग किलोमीटर, 38 वर्ग किलोमीटर, 5.25 वर्ग किलोमीटर और 156 वर्ग किलोमीटर। इन तीनों छोटे छोटे अभ्यारण्यों को मिलाकर मुकुंदराव हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इस तरह का उनका क्षेत्रफल का विस्तार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करें, अगर एक बोलते हैं जीव जंतु या पक्षियों में, हीरामन तोता आपने सुना होगा, हीरामन तोता यहां का फेमस है, या फिर गागरोनी तोता, या फिर हिंदुओं का आकाश लोचन, इस नाम से इस तोते को जाना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता ये, मतलब जैसे मानव बोलते हैं, हम बोलते हैं, जो मानव जो बोलते हैं उस टाइप से बोलता था ऐसा माना जाता है। तो ये वहां का फेमस है, साथ ही और दूसरे पशु जैसे जीव जंतु देखे, चीता, इसके बाद जंगली सुअर,
जंगली सुअर, इसके बाद चीतल, ये सभी जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे खरगोश वगैरह भी बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं यहाँ पे शामिल है, बाघ आदि। तो ये जीव जंतु हो गए कहाँ के, इधर मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या खास खास बातें हैं। ओंदिया ये क्या है, ओंदिया क्या है, यहाँ का कुछ एक शब्द मिलता है इस बारे में जब पढ़ते हैं तब। ओंदिया को हम बोल सकते हैं हम अवलोकन स्तंभ, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये उसके स्तंभ खड़े रहने का, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे सभी जीव जंतु यहाँ पे कुछ विचरण कर रहे हैं और यहाँ पे हम खड़े होकर उन जीव जंतुओं को देख सकते हैं, इनको बोलते हैं अवलोकन स्तंभ या ओंदिया। तो रियासती काल से प्रचलित है कुछ बेस्ट ये स्तंभ है, उनके नाम है रामसागर, बोडा तलाई, जामरा और अमजा, इस तरह की जो कुछ अवलोकन स्तंभ थे वो फेमस है यहाँ पे। इसके ऊपर खड़े रहकर हम यहाँ के जो भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतु को अपने एकदम करीब से देख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए फेमस है। और लास्ट युद्ध की बात स्थल यहाँ की बात करें तो अमली मिणी का महल, जो राजस्थान का सेकंड ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है इसको, अमली मिणी का महल वो यहीं पर है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। बाड़ौली का श्री मंदिर हूणों ने बनवाए थे, ये मंदिर हूण एक विदेशी जाति है मध्य एशिया की, तो बाड़ौली का श्री मंदिर फेमस है उनके काल का। गागड़ों का किला भी यहीं पर है और भीम चोरी मंदिर भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसके बारे में, और भी आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स के रूप में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमारी क्लास अभी यहाँ पे समाप्त होती है, धन्यवाद।